की कल्पना की उपज मात्र है और इसका किसी भी व्यक्ति विशेष या स्थान से कोई संबंध। पाटिल चेकर, कब से बढ़िया इधर देखा क्या? हाँ पता नहीं साहब, मैं अभी आया। अभी अभी आया? तमाशा है, फिल्म है क्या? क्या देख रहा? चलो तमाशा क्या, चल चल निकल, निकलो निकलो निकलो, चलो चलो। ए या ना करो ना, चल चल निकलो। ए चलो निकल। अरे पाटिल का है साहब, नस चल रही है। कह रही एम्बुलेंस कुटे है? अरे का पहुंचाने के बाद आएगी एम्बुलेंस? किधर एम्बुलेंस? फोन किया कि नहीं? वापस फोन करो। साहब फोन कर दिया था। आज सवेरे ही एक अज्ञात विदेशी महिला को अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। जहां तक हमें खबर मिली है, इस महिला का बलात्कार हुआ है और अब इसे सिविल लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे संवाददाता नीलेश झा की ये रिपोर्ट है। अरे नान्या, माथे खालीस का गड्ढे का साले तुला। क्या किया रे मैंने? आज का न्यूज देखा तूने? नहीं, क्यों क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा अभी इधर, मैं समझ नहीं रहा है। अबे कुत्रिया, बोला था ना तुझको उसको ठिकाने लगाने का, बच गई तेरी वो अम्मा। अब लग गई ये पहेलियों में बातें मत करे यार। किसकी बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही फिरंग छोकरी, क्या बोला था तूने? इंजेक्शन का वो डोल देंगे, साली मर जाएगी। साली बच गई, अब निकलेगी हम लोगों की आरती। साला बुरा फसा रे तेरे पे भरोसा करके। अरे भाऊ भाऊ, मैंने तो दिया था रे इंजेक्शन। अरे चुप, साला जब देखो तब पक 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 करते रहता है। उठ रहा साली। अरे भाऊ कैसे बच गई ये साली अंग्रेजन? मेरी बात कान खोल कर सुनना न्या, पता लगाओ कहाँ है और ठिकाने पहुँचा दे, नहीं तो मैं तेरे को ठोक डालूंगा, समझा? अरे भाऊ तुझे तो मालूम है मैं जो भी काम करने जाता हूँ साला उल्टा हो जाता है। भाव भाव सुनना, एक काम करते हैं, तू काका से बात कर, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। साला तुझे इतना चमड़े किधर का, लेते वक्त तो बहुत बड़ा शेर बनता है ना। अब भटी साला, तेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रख फोन साला कुत्रिया। बाबा को दे, चल रख फोन, मैं बात करता है बाबा से। बाबा फोन उठा।
क्या कितनी बार बोला काम के वक्त कुछ नहीं मांगता है। अरे 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 बाबा बाबा बहुत बहुत अर्जेंट है बाबा, दो मिनट बात करना है बाबा, बहुत सीरियस वाला अर्जेंट है बाबा। फोन रख। शिट शिट। लक्ष्मी क्या हो गया है तुझे? अगली बार इसने बेवजह तेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो उठा झाड़ू और उतार इसकी आरती, मैं देखती हूँ। जा डॉक्टर के पास जा और वो दीदी को मेरा नाम ले लेना। अच्छा ठीक है, उनको दिखा के ही घर जाना और तू चिंता मत कर, मैं हूं। चल तू यहीं खड़ा रहेगा, हाँ लेके जाओ उसे। और नंदू एक बात सुन ले तू, अगली बार तूने ये हरकत की ना तो मैं तुझे आज के बाद कभी नहीं करेंगे मैडम जी, आज के बाद अपने बीवी को कभी नहीं मारेंगे। चल जा। मैडम जी आपने तो लाफा ही लगा दिया। लाफे के बगैर समझते हैं क्या ये साले? जिसको जो भाषा आती है ना उसी भाषा में समझाना चाहिए। अरे वॉल्यूम बंद करो यार, ये चल रही है, ये एंटरटेनमेंट है। चेंज कर चैनल, चेंज कर, चेंज चेंज कर, चेंज कर। रुक खास खबर, रुक रुक, पीछे जा, पीछे जा, रुक रुक। विदेशी महिला को अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। जहां तक हमें खबर मिली है इस महिला का बलात्कार हुआ है और अब इसे सिविल लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे संवाददाता ने देखो रे साला, टीवी खोलो तो रे, पेपर देखो तो रे, हद है हैवानियत की, काट डालना चाहिए इन सबका। अरे मैडम जी ये क्या बोल दिया आपने? क्या क्या गलत क्या बोला? वही जो तूने सुना। सुनिए एक काम कर, ये देख सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तू वहाँ जा। ठीक, हॉस्पिटल जा, उसके बारे में पता कर, वी मस्ट हेल्प, कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो अभी जाओ या एक घंटे? अभी सोनी, अभी, राइट नाउ। मैं ये बदलना नहीं चाहिए चैनल, मैं जा रही हूँ वहाँ, पैसे रखे, सबको चाय पिला, खुद भी पी, आ रही हूँ मैं। हताई अभी इतनी गर्मी है तो नीम पिया कर, नीम ठंडा हो जाएगा, क्या जरूरत थी रेप करने की? लड़कियों को छोड़ता नहीं, अब क्या अपने बाप की वजह होगा? ये अपोजिशन वाले एक मौके की फिराक में है, समझा? क्यों मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला रहा है? ढेरों लड़कियां हैं स्वागरात मनाने के लिए, पकड़ता, मना लेता, आग बुझा लेता। अंगूठे नीचे। कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी औलाद भी है या नहीं। अंगूठा नीचे कर, सोचने दे कुछ, नीचे। हेलो कमिश्नर जोशी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। सर कुछ काम था तो बुला लिया होता। जी 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 सर। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं खुद देखता हूँ। एक घंटा और है, कोई केस आएगा नहीं तो अच्छा है। पहुंच जाता वहां पे। एक मिनट। हेलो इंस्पेक्टर वागले ये? हाँ वागले। तेरे एरिया में जो फॉरनर लड़की का रेप केस आया ना, उसे उल्टा घुमा दे। मतलब? अरे मिनिस्टर जोशी के लड़के इन्वॉल्व है। ओ। उस लड़की पे इमोरल ट्रैफिक का केस डाल दे। बचनी नहीं चाहिए। प्रूव ये हो कि यहाँ फ्लैश ट्रेडिंग के लिए आई है। जाना। चल फोन रख। जैन सर। नमस्ते ताई। अली बनवती। चाय ला। रितु। नमस्ते दीदी। छोटू कहाँ तेरा? अंदर सो रहा है। अच्छा। चाय लाइजा। पटेल। यस सर। ये दिमाग चाटने वाले दिमाग आ रही है, समाज का बोझा कंधे पे उठाए, कुत्ते से भी तेज नाक है इसकी। तू एक काम कर,
इसका समाज का बोझा कंधे से मैं उतारूं, बीच में आके टपकना और बोलना बड़े साहब ने बुलाया। कर ले तुला? यस सर। निक। नमस्कार पाटिल जी। वाकले जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? आज किसकी बैंड बजाने आई हो? आप तो जानते ही हैं वाकले जी, बैंड तो हम झूठ की बजाते हैं हमेशा, सच को तो गले लगाते हैं। आपने हमें गले कभी नहीं लगाया। कहना जिस दिन आपको गले लगा लिया उस दिन हलक से कुछ नीचे उतरेगा नहीं, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। क्या? मुद्दे की बात करते हैं। ये आपके एरिया में क्या चल रहा है? मतलब खुलेआम ऐसे ही लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, बलात्कार होता है, कचरे की पेटी के पास फेंक दिया जाता है, मतलब? सत्या जी, आप तो टीवी न्यूज के एंकर की तरह धाड़ 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 बोले जा रही हो, हमारी कुछ सुनेंगे? जी सुनाइए। ये प्रोस्टिट्यूशन का मामला है, ये बलात्कार है ही नहीं। ये लड़की अपनी मर्जी से दूसरों को खुश करती है, ये इसका धंधा है। हमारे पास प्रूफ है, FIR दर्ज है। अच्छा, किसने किया कंप्लेंट? उसके सोसाइटी के लोगों ने, वो भी कमिश्नर के ऑफिस में जाके। कमिश्नर की स्ट्रिक्ट वार्निंग है, इस केस में तुरंत कार्रवाई की जाए। वाकई जी, बात बताइए आप, आपके इलाके में तो आए दिन इतनी घटनाएं होती रहती है, इतनी फुर्ती तो आज तक कभी नहीं दिखाई आप लोगों ने, ये कमिश्नर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं इस केस में? अजीब बात कर रही है आप, इस केस में दो दो एम्बेसी इन्वॉल्व है और आप कह रही है कि कमिश्नर क्यों दिलचस्पी ले रहा है, मिनिस्टर जोशी क्यों दिलचस्पी ले रहा है? तो ये लड़की मतलब गई किसके साथ थी? ये मिनिस्टर के लड़के के साथ और भांजे के साथ। ऐसा को काय बोल लो मी, मतलब ऐसा सुनने में आया है। सत्या जी, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूं, ये लड़की कहाँ गई थी, किसके साथ सोई थी, किसके साथ दारू पी रही थी, बोला ना वो धंधा कर रही थी। तो मतलब लड़की का बयान तो आप लोग ले चुके होंगे? होश में आने दो, पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स लेके बैठी है। लेकिन आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। कहो मैं आ रहा हूँ। यस सर। सत्या जी, होश में आने दो, बयान भी लेंगे हम। हेलो। हाँ सत्या, बोलो। हाँ दादा जी, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, एक जरूरी केस है। एक विदेशी लड़की का बलात्कार हुआ है, मिनिस्टर जोशी के भांजे और बेटे इन्वॉल्व हैं केस में, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार मैं आपसे मिलूं। मिनिस्टर के लौंडे इन्वॉल्व हैं? सत्या, तुम एक काम करो, किसी दूसरे वकील को देख लो प्लीज। हेलो दादा जी, यहाँ क्या कर रही है? अरे तई, अच्छा हो गया आप आ गए, एकदम येड़ी है ये लड़की, जिस तरीके से बिहेव कर रही है एकदम पागल। अरे क्या हुआ है? अरे चीजें फेंक के मार रही है। ठीक है, मतलब यहाँ है ना, चल। हाँ सुनो, थोड़ा संभल के तई, कुछ भी फेंक के मारेगी ये। अरे चल। हाय माया, दिस इज सत्या, सत्या देशमुख। हाय माया, आई रन एन एनजीओ। व्हाट डू यू वांट? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट गो, जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। माया, इफ यू जस्ट अलाउ मी, आई ओके फाइन, आई एम लीविंग। आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो दैट those guys, they're preparing a case against you right now, they want to prove that you're a prostitute, and I just received this information, so I thought I must share it with you. I'm leaving. Wait, Maya, look, I know how it feels, I understand, I have been a victim myself, I know how it feels, but believe me, all this people's sympathy, this is just transitory. What stays with you is your own battle, your own fight that you have to fight out every single day, day in, day out,
and I want to help you fight that fight. Will you help me? Okay. I trust you. Thank you, Maya. I won't let you down. समझ में नहीं आ रहा ये अचानक दादाजी को हो क्या क्या है दादाजी I'm sorry ये क्या हो गया आपको नहीं चाहिए भैया आप केस क्यों नहीं लड़ेंगे हमारा देखो सत्या बाल की खाल निकालने से कोई फायदा नहीं है छोटे मोटे केस में लड़ लिया करता था लेकिन ये तो वैसे ही है जैसे हाथी और चींटी की लड़ाई और मैं हाथी के पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहता और तुम चींटी किसे बना रही हो अच्छी तरह से जानती हो दादाजी ये आप कह रहे हैं सत्या सारे आदर्श हवा हो जाते हैं जब ताकत का तूफान सामने दिखाई पड़ता है जिन लोगों के खिलाफ तुम ये केस लड़ने के लिए बोल रही हो जानती हो कौन है वो ये ताकतवर ही नहीं बल्कि ताकत के आका है तो हाँ मैं जानता हूँ कि उस विदेशी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है जुल्म हुआ है लेकिन ये भी तो देख लौंडे किसके हैं मिनिस्टर के सत्या मेरे भी दो जवान बेटियां हैं और मैं अपनी आंखों के सामने उनकी रुसवाई नहीं देख सकता मेरी मानो तुम इस पचड़े में ना ही पड़ो तो अच्छा है तो आप दादाजी एक मिनट मेरी बात सुनिए आप प्लीज सत्या दरअसल तुम्हें वकील नहीं बलि का बकरा चाहिए वर्सोवा में एक पाव भाजी की दुकान है क्या किसी से भी पूछ लेना सीतापति शुक्ला सीतापति हाँ सीतापति शुक्ला के बारे में हाँ लेकिन सठिया गए दादाजी ये पाव भाजी वाला बीच में कहाँ से आ गया ताई एक बार कोलीवाड़ा चल के तो देखते है ना सुनी तू भी ना चल वो सामने देख ये तो नहीं और तो कोई देख नहीं रहा चलो इसी को पूछते अरे ऐसे कोई पाव भाजी का नाम रखता है भाई साहब एक्सक्यूज मी सीतापति शुक्ला से मिलना था ये ए मोटे रेडियो एक तरफ रखना ऑर्डर दे सर जब देखो तब ये रेडियो चमगादड़ के जैसे कान पे चिपका जी नमस्ते सीतापति जी क्या मरियल जेम्स बॉन्ड आज प्लेट साफ हो पाएगी होगी होगी सर जल्दी दो देखिए आपसे कुछ बात करनी थी क्या बात हो सकती है देखिए मैडम धंधे का टाइम है अभी टाइम खोटी नहीं करो पाव भाजी खानी है तो खाओ नहीं तो निकलो यहाँ से अब कैसे बात करूँ इससे मैं भाई साहब जरा ये बताएंगे आपकी ये आपके भाई साहब है क्या चीज चीज नहीं है अजूबा है अजूबा इस रेडियो जी थैंक यू और ये बताइए कि ये क्या है दफा 302 420 RTI का है कि पेशे से जनाब वकील है अच्छा वकील और ईमानदारी की साइकिल पे हो गए सवार अब ईमानदारी की साइकिल पे पैदल तो नहीं होता है तो हम और चल दिया पीछे से साइकिल को धक्का लगाए मतलब ये है कि पेशे से हम है जूनियर लॉयर ए रेडियो स्टेशन इधर आ लड़की देखी नहीं लगे उसको FM सुनाने ऑर्डर दो हेलो सीतापति मैं चाहती हूँ कि आप एक विदेशी लड़की का केस लड़ें मिनिस्टर जोशी के बेटे और भांजे ने मिलकर उसका बलात्कार किया है देखिए मैं जानती हूँ आपके बारे में आप ही ने अमीना बेगम का केस लड़ा था हो गया मुझे किसी केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम आपसे निवेदन है कि आप मेरा पीछा करना बंद करें एक मिनट आप प्लीज मेरी सीतापति
पागल हो गए क्या यार, 40 रुपया किलो इतना महंगा? हाँ जी महंगाई तो है ना। अरे हम सब्जी खरीदने आए, सोना नहीं खरीदना क्या है बे? माँ कसम यार, ये समाज सेविका ना, अभी हम इसका सर फोड़ेंगे। देखिए मैडम जी, अगर आप हमसे वही बात करने आई हैं जो आप कल करने आई थी, तो हमारा जवाब भी वही है जो कल था। आप खामखा एक शरीफ आदमी का पीछा करके उसको परेशान कर रही हैं। हमारी दुकान पे आ गई, अभी मार्केट में चली आई, हम आपके ऊपर ईव टीजिंग का मुकदमा दायर कर देंगे। दफा 294 के तहत आप 6 महीने के लिए अंदर जाएंगे। हेलो, हो गया? मैं तो सिर्फ कांदा खरीदने आई थी। चल सोनी आगे से लेते हैं, यहाँ तो सब्जी भी नहीं खरीद सकते। 5 किलो दो यार। वैसे मुझे पता है कि ये केस तो तुम ही लड़ने वाले हो। अरे सुनिए, सॉरी तुमसे बात करनी थी। मगर मुझे नहीं करनी, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे इस केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लुक, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इस केस में ना सही, जस्टिस में भी इंटरेस्ट नहीं है। है, अगर मिले तो? तो तुमने तय कर लिया कि जस्टिस मिलेगी ही नहीं, चाहे कोई भी केस हो। लुक, तुमने अमीना बेगम का केस हैंडल किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या जानती हो? जानती हो ना, उस लड़की के बाप ने भरी अदालत में चंद रुपयों की खातिर अपनी बेटी को वैश्या कह दिया और उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। और तुमने क्या किया? तुम एक केस हार गए और तुमने अपने हाथ धो लिए। तुमने तय कर लिया कि जहाँ पैसा है पावर है वहाँ जस्टिस तो है ही नहीं, राइट? तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद भी न जाने कितनी लाखों अमीनाएं हैं हमारे देश में जो आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही हैं, कहाँ जाएंगी वो? सीतापति, जब तुम जैसे लोग जिनका जमीर आज भी जिंदा है, जो ईमानदार है, वही अपने हाथ खड़े कर देंगे तो क्या करेंगी अमीनाएं? मैं तो कहती हूँ हर घर में एक ना एक अमीना होगी जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि न्याय दिलाने वाला तो कोई है ही नहीं। और ये वैशी दरिंदे ये दिन भर दिन हावी होते रहे, यही चाहोगे ना तुम? प्लीज मेरी बात पे जरा ध्यान दो, खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक अदमीना तुम्हारी खुद की ना हो, अपनी ना हो, तब क्या करोगे? अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे तुम? बहुत बोलती। हाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन सही बोलती हूँ। तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हारा सही नाम रखा है, सत्या। साला सत्य हताश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कल 10 बजे मिलता हूँ मैं। थैंक यू। कोट भी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है? मैं चलती हूँ 10 बजे कल। पांडे, अबे मोटे साले, साबुन की गोली बंदूक की गोली। चल रहा है पिक्चर पांडे, जहाँ पर आपकी फरमाइश के गाने होते हैं, आपकी बातें होती हैं। तो चलिए जी, देखते हैं इस समय हमसे कौन बात करना चाहता है और कौन सा गाना सुनना चाहता है। हेलो भाई साहब, क्या ये रेडियो फीवर है? भाई साहब क्या लग रहा है, पुलिस स्टेशन नहीं है ये, रेडियो स्टेशन है। हाँ बोलिए, फीवर 104 FM बोलिए। नहीं मेरा मतलब है कि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है? बिल्कुल लाइव चल रहा है, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं? कौन है वह बुढ़बक? नहीं मतलब मैं जो अभी बोलूंगा वो भी सब सुनेंगे? ये सब तक पहुंच रही है यार, गाना तो बताओ कौन सा सुनना चाहोगे? अबे साले पांडे, मोटे स्वाट। अरे भैया आप रेडियो में क्या कर रहे हैं? मैं कब से संडास में बैठा हूँ, बैठ जाओ। पानी लेकर आओ ऊपर। उठे कसम ये भी ना यार। तो चलिए मैं आपको अगला गाना सुनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर पांडे के साथ। मैं हूँ अनुराग पांडे। हे भगवान। कमिश्नर, कोई मचमच नहीं मांगता है इलेक्शन सर पे। आप परेशान मत होइए सर, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 1 घंटे के अंदर वो लड़की सलाखों के पीछे होगी। पागले। यस सर। जाओ। अब उन्हें क्या बोला था भाव? टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का ना। ये लो बिस्किट खाओ। खाओ कमिश्नर।
मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। नहीं मतलब क्या मतलब यार, पहचाना नहीं, वकालत करता था यार मैं। अच्छा मत थोड़ी करता था। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। चलो We've come to meet Maya, is she there? Yes, come. Thanks. You sit here, I'll call her. Sure. Dekho Sidhapati, baitho. Abhi तुम्हें इसे कन्विंस करना है कि वो हेलो ओ माया हाय माया हाय हाउ आर यू हाय दैट्स सीतापति ही इज योर लॉयर हेलो ही विल बी फाइटिंग योर केस प्लीज सिट थैंक्स माया वेल एज यू नो वी आर गोइंग टू फाइट योर केस बट यू सी वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड I don't want to talk about that. I know it's tough, Maya. Maya, please. Look, I know it's going to be difficult. I told you I have gone through it myself. I understand. But please, Maya, we can't do anything if you don't cooperate. I was performing that night. And I don't know even when these guys... क्या पुन इधर बैठे? What? ओ तिच्छा मायला. English मध्ये बोलायला लागला. I sit with you? Yes, it's not my bar. Sit where you like. Thank you. Shetty. किधर है रे शेट्टी? हाँ साहब, मैं इधर ही था सर, इधर ही था. चल ऑर्डर ले ले. अभी लेता हूँ. ए घनश्याम, ख्याल रखने का, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए. सर चल निकल. सर क्या लाऊं? सर तेरे होटल में जो भी मस्त आइटम हो ना, वो दो प्लेट लेके आ, और साथ में एक फाइन विस्की ऑन द रॉक्स फॉर टू, समझा? अरे मेरा थोबड़ा क्या देख रहे तू, चल फुट इधर से. सॉरी सर. होप यू नो माइंड. आई आस्क फॉर व्हिस्की जस्ट. अरे 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 किधर जा रही है? बैठ. वन ड्रिंक माइन, वन ड्रिंक योर, या फाइन स्कॉच स्पेशली फॉर यू. बट वन ड्रिंक. या हाय, आई एम माया. माया वारे विठला तेरी माया. आई एम मकरंद जोशी, सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर शरद जोशी, द किंग मेकर. यू डोंट स्मोक? नो, इट्स बैड. हाउ यू माया? माया इज एक्चुअली क्वाइट कॉमन नेम इन माय कंट्री. माया कितनी गोरी है तेरी काया, मेरे दिल को तेरा अंग अंग भाया. व्हाट आर यू सेइंग? प्रेइंग फॉर यू. ओके, आई सिंग गुड. ओके माया, you me party in my bungalow? No thanks, I'm not that kind of girl. Kai bolli jamaila, ungli steady karni padegi. Oh, I'm sorry. It's okay, you're actually funny guy. Cheers. Cheers.
माया जी, आप उन्हें एक बात बोले? What? You are good. What does it mean? इसकी माँ का क्या बोलते हैं उसको? You are must. Must. Yeah. And what does it mean? Jamaila, क्या बोलते हैं यार उसको? You are bawal, beautiful. Rapchi. Oh. एक नंबर. एकदम झकास. I'm beautiful. Yeah. Thank you. You're really funny. I like that. Very good. One more drink. Hey, drink le gaya? No, no. It's, one drink. It's very late, and I need to go now. Oh. What happened? What it's happened? It's okay. I take you. Don't no, worry. Don't no, worry. I'll go myself. Arey, don't worry. Arey, don't worry. Don't worry. It's all I remember. I really can't recollect now anything more. Party shuru ho gayi hai. Are hame invite kar de. Kya bigadta aapka? Miss Maya, Maya Johnson. Chalo hamare sath. Kya? You have to come with us. Just one second. Kya charge kya laga rahe aap? Under immoral trafficking act 1956. Are Patil? Oye sahab. याला कुठे तरी बघितलं रे? होय साहेब, वो वर्षवाद पावभाजी वाला आहे ना, वही आहे. तभी तो बोलू पावभाजी वाला वकील आहे. वकील साहब, मॅडम को बताओ, क्या पावभाजी करते करते भूल गए वकालत? है इसकी जरूरत नहीं है वागले साहब, ये एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स है. वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फास्ट. इंस्पेक्टर, दिस इज ऑल अ लाई. I'm the victim. I'm the one who has been raped. Just catch those bastards and put them in jail. You came to arrest the victim? What kind of law is it? देखो, क्या कर रहे हैं आप वकील जी, प्लीज. जैसी एफआईआर दर्ज होती है वैसे ही कार्रवाई होती है. वकील साहब, मान लिया पहले ही बॉल में छक्का. शेर कितने भी दिन चुप रहे वागले साहब, शिकार करना नहीं भूलता. तो इंस्पेक्टर वागले, अभी भाग ले. म्याऊ. चलो. जमाना बदल गया है सर. उस लड़की का मेडिकल चेकअप हो चुका है. ये जोशी और ये पाटिल दोनों का ठप्पा लग चुका है, पता तो लग ही जाएगा. खैर, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा. वैसे ये बताइए कि अपने लिए केस लड़ कौन रहा है? है वो मुत्तु स्वामी है, अपना वकील, बहुत होशियार है, करेगा, ठीक करेगा, संभालेगा सब. साहब, उस लड़की का वकील भी बहुत होशियार है, वो सोशल वर्कर है ना, सत्या देशमुख. ए सत्या, सत्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? फोन लगा उसको, मुत्तू को. हाँ बाबा. मुत्तू, मक्या बाबा बात करना चाहता है. मुत्तू जोशी बोल रहा हूं. मिस्टर मुत्तू, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स फॉर टुडे. माय लॉर्ड, मेरा वकील मकरंद जोशी और नाना पाटिल पे इल्जाम है कि उन्होंने इस विदेशी लड़की पे बलात्कार किया है. इस क्या नाम इसका? सर माया. मिस माया को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वाइटनेस बॉक्स में बुलाना चाहेगा. परमिशन ग्रांटेड. थैंक यू. मिस माया, so do you remember who was the first one who raped you between those two sitting there? No, I was drugged. I was semi-conscious the whole time. You were semi-conscious whole time? May I ask the second question, sir? Can you tell me where did you meet my client? I was at the bar after my performance. Makarand Joshi, he came to me and wanted me to join to have a drink with me. I didn't suspect anything. Because they are good people. Why will she suspect, sir? No, that's lie. In fact, she gave the signal. No, that's lie. Of course. In fact, sir, I think
They did not force her. She enticed them. She kind of gave signal, smiling, all that, sir. Wasn't it some kind of inviting? Objection, Your Honor. मैं अपने काबिल दोस्त मुथुस्वामी से एक सवाल करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है. थैंक यू. मान लीजिए आप और आपकी सुविद्य पत्नी. क्या बोल रहा है ये सुविद्य, क्या मतलब है? पढ़ी लिखी है तो आप दोनों एक साथ किसी जलसे में, ओ फंक्शन में गए हुए हैं और वहां पे आपकी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ हंस हंस कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोगों को इनविटेशन दे रही हैं कि कम ऑन यू कैन हैव फन विद मी. कैसा भाई उनका सवाल कर रहा है? बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूं सर कि कितना बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप. योर ऑनर, जब यही सवाल मैंने मुथू स्वामी जी से उनकी पत्नी के बारे में किया तो बेहुदा हो गया, लेकिन वो यही सवाल मेरी क्लाइंट के साथ बार बार कर रहे हैं, उसका क्या? किसी महिला का किसी पुरुष के साथ मुस्कुराकर बात करना उसके दुष्चरित्र होने का प्रमाण नहीं है. कि मेरी क्लाइंट माया ने मकरंद जोशी और नाना पाटिल को खुद ऑफर दिया साथ में चलने के लिए. पॉइंट नोटेड. थैंक यू. यू मे गो मिस माया. मैं देसी अड्डा बार का वाइटर को बुलाना चाहता हूँ. उससे पता तो चलेगा कि मैडम का, मिस माया का, मायरा क्लाइंट के साथ कैसे रिश्ता था. इजाजत है. गंचम, उस मैडम को तुम देखा? हाँ साहब, ये मैडम को पहली बार मैंने उस रात बार में देखा था. डांस परफॉर्मेंस के लिए आई थी. सबसे बड़ी हंस हंस के बातें कर रही थी और हमारे मखिया साहब से तो एकदम चिपक चिपक के बातें कर रही थी ये. और तो और साहब, दोनों एक घंटे के बाद साथ में ही निकले. तुम जा सकते हो. थैंक यू साहब. That's all, Your Honor. No, that's wrong. It's bullshit. This man is talking rubbish. He is a liar. Order, please. मिस्टर सीतापति, आप प्लीज अपनी मुवक्किल को समझा दीजिए कि अदालत में इस तरह के शब्द यूज करना अदालत की तौहीन माना जाता है. I'm sorry, my lord. Next time she does that, I'll book her for contempt. आगे से ऐसा नहीं होगा. Please be calm. I'm here. Miss Maya, if you wish to say something, please come to the witness box and say so. I'm sorry, Your Honor, for my behavior. I have been regular with my friends to different bar from past 3 months. And I have always avoided socializing with other guys. This guy forcefully sat at my table. I guess I just wanted to be nice, since I know that I'm an outsider. Is it wrong that I was just trying to be nice? Your Honor, you may go. Your Honor, घनश्याम के मुताबिक यदि मेरी क्लाइंट माया मकरंद जोशी और नाना पाटिल के साथ अपनी मर्जी से गई है तो सीसीटीवी में ये फुटेज हमें मिल जाएगी. तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने वो सीसीटीवी फुटेज बरामद की है? मैं चाहता हूं कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यहां बुलाया जाए. इजाजत है. थैंक यू. आप इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं? जी सर. तो जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है वो आपने बरामद किया? हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज तो बरामद किया है, लेकिन सर आपको तो मालूम है बार के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में धुआं होता है, रोशनी कम होती है, तो ठीक तरह से कुछ खास दिखाई नहीं दिया. लेकिन ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से मेन गेट के ऊपर एंट्रेंस पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं. हाँ, उसकी फुटेज तो बरामद की होगी आपने? सर वो क्या है, बाहर का जो सीसीटीवी था वो चल नहीं रहा था, एक दिन पहले ही खराब हुआ था, होटल मालिक ने बताया. अच्छा, कितना अनुकूल सब कुछ बना दिया गया है ना. अंदर के सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहां अंधेरा है, बहुत सारा धुआं है, और बाहर का सीसीटीवी कैमरा, योर ऑनर, एक दिन पहले ही खराब हो गया. योर ऑनर, सबसे पहले तो ऐसे किसी भी बार का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए जो सुरक्षा के नियमों के प्रति लापरवाही बरतते हैं. अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस मामले की पूरी छानबीन करे और अगर मालिकों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो उस पर उचित कार्रवाई भी करे. आप जा सकते हैं. जी. माय लॉर्ड. कहिए. माया को
क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए व्हाइटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। इज दिस याज? यस। ये आइनरवेयर माया का है। कौन ऐसा आइनरवेयर पहनता है? एक कोई शरीफ घर का लड़की तो ऐसा आइनरवेयर नहीं पहनता है। ये पहनता है, मैंने तो देखा है सिर्फ अंग्रेजी पिक्चर में देखा है। लास्ट 20 इयर्स आई एम मैरिड टू माय वाइफ एंड मेरा वाइफ ने कभी ऐसा कोई आइनरवेयर नहीं पहना है। ये आइनरवेयर पहनता है धंधे वाली, अपना क्लाइंट को रिझा सके, लुभा सके, मजा कर सके। बात समझ में नहीं आता कि राइप का वक्त ऐसा लूंगी, ऐसा लूंग सर लॉन्जरी लो लॉन्जरी सर ऐसा लॉन्जरी क्यों पहना? ये इन्हें ये क्यों हंस रहा? आई एम सॉरी योर ऑनर, I'm really sorry. यार आप कमाल हो यार, आप वकीलों के बाबा, आप चड्डी से इंसान का चरित्र बता देते हैं। I'm sorry, Your Honor. Mr. Shukla, please. एक न्यायाधीश व्यक्ति के सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? अगर उनको एतराज नहीं हो तो पूछ सकते। सर आप कौन सी चड्डी, मेरा मतलब है इनरवेयर पहनते हैं? राख, पर इसका इससे क्या लेना देना? वाह राख, उसमें जो एड दिखाया जाता है जिसमें लड़के के पूरे शरीर के ऊपर लिपस्टिक के निशान हैं, तो कुछ आपकी भी वैसी ही हालत होती होगी अंडरवेयर पहन के? या ये कहें कि जब भी आप ये चड्डी पहनते हैं तो आपकी भी उस लड़के के जैसे दूसरी महिलाओं को खुश करने की इच्छा होती है? बेहुदा बोल रहा है, इंसल्टिंग, मेरी इंसल्ट है, जवान सवाल क्या बात करना है? ये कोई ऐड नहीं है, मैं कोई मेल साइज कट नहीं है। सर आप खामखा नाराज हो रहे हैं, जैसे आपकी चड्डी से आपके चरित्र का पता नहीं चलता, वैसे ही किसी लड़की के इनरवेयर से उसके चरित्र का पता नहीं चलता। यदि मुत्तू स्वामी की राय मान ली जाए तो संसार भर की वो सारी कंपनियां जो महिलाओं के लिए फैशनेबल इनरवेयर बनाती हैं, एक हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रही है ना? मुत्थू स्वामी की ये राय यदि उन कंपनियों के कानों तक पहुंच जाए तो विश्वास कीजिए ये सारी कंपनियां मिलकर इनके ऊपर ऐसा मानहानि का दावा ठोकेंगी कि मुत्थू स्वामी की चड्डी उतर जाएगी और ये अपने लिए एक अदद चड्डी खरीदने के काबिल नहीं बचेंगे। ऑर्डर प्लीज। ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसे इनरवेयर सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में देखे। योर ऑनर, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सारे के सारे किरदार पूरी फिल्म में सिर्फ चड्डी पहन के घूम रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे 20 साल की वैवाहिक जीवन में 20 इयर्स सर यस थैंक यू मेरी पत्नी ने आज तक ऐसा इनरवेयर नहीं पहना। अरे ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉन्जरी से किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाना ये कुछ और नहीं, इनकी विकृत मानसिकता का प्रमाण है जो चड्डी के आधार पर किसी के चरित्र का आकलन कर रहा है। व्हाट इज विकृत? परवर्टेड, सिक, गिरा हुआ, निम्न, नीच। साइलेंस। योर ऑनर, मान लेता है कि मिस माया बेल डांसर मतलब होटल और रेस्टोरेंट में आधी नंगी नाचती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, बेली डांसिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स नॉट प्रोस्टिट्यूशन फॉर गॉड्स सेक। मैं दावे से कहता है कि ये आइनरवेयर पहनने वाली धंधे वाली है, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। नो, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, आई एम अ फॉरेनर इन योर कंट्री, बट आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। हाउ डेयर यू कॉल मी दैट? हाउ डेयर यू कॉल मी दैट? This guy raped me here in your country, and you call me a prostitute. Order, please. Your Honor, मैं मकरंद जोशी और नाना पाटिल से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, उन्हें कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ये लॉन्ड्री आपकी गाड़ी से बरामद हुई? हाँ। वहां कैसे पहुंची?
पहुंच गई होगी? पहुंच गई योर ऑनर, मैं बताता हूं कि ये लॉन्जरी वहां कैसे पहुंची। मकरंद जोशी और नाना पाटिल ने देसी अड्डा बार के अंदर से नशे की हालत में माया को अगवा किया। ए झूठ है, उस रात ये इतनी पिए ली थी कि पूछो मत, और ना जाने क्या क्या इंजेक्शन भी ले रही थी। जज साहब आप इसकी ये भोली वाली शक्ल पे मत जाना, एक नंबर की नशेड़ी है ये। हम इसे हाईवे ले गए और हमारा काम खत्म होने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। क्या खत्म होने के बाद? काम खत्म करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। काम खत्म मतलब कौन सा काम? हमारा काम मतलब सेक्स, जैसे आप बोलो। तो आपने उसको पैसा दिया था? हाँ दिया था ना। कितना? अरे कितनी दिले होते रे, याद नहीं भाव। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ नहीं नहीं दिया था। पक्का नहीं दिया था? नहीं दिया था। नहीं। मतलब सेक्स करने के बाद आपने माया को पैसा नहीं दिया? अरे कितनी बड़ा बोलू, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इन्होंने सेक्स करने के बाद माया को पैसे नहीं दिए। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। एक, माया वैश्या नहीं है क्योंकि पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ। दो, इन्होंने खुद अपने मुंह से यह बात स्वीकार की कि इन्होंने माया के साथ सेक्स किया, नशे की हालत में माया के साथ जबरदस्ती की, दो दिनों तक उसको बंधक बनाकर रखा और फिर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये रेपिस्ट हैं, क्योंकि इनके साथ सहवास करने में माया की कोई मर्जी नहीं थी। इन्होंने माया को सेक्स के इरादे से देसी अड्डा बार से उठाया। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्तों मेरा क्लाइंट को रेपिस्ट बोल दिया, लेकिन जरा ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख लेंगे। जब ये मिस माया सड़क पे पाई गई थी उनका बॉडी में कोकेन था। हाँ मैं मानता हूँ कि उसके खून में ड्रग्स मिली, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद ही ड्रग्स में थी वो कैसे बोल सकती है कि शी वाज रेप्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ योर ऑनर कि माया के खून में बहुत मात्रा में ड्रग्स पाया गया, लेकिन जरा देखिए, एक अकेली बेचारी निहत्ती लड़की और दो गबरू जवान अगर जबरदस्ती उसको ड्रग्स के इंजेक्शन लगा दें तो वो क्या कर सकती है? योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दी जाए, और साथ ही अदालत से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों के खून की भी जांच हो, ताकि हमें पता चल सके कि ये दोनों ड्रग्स के हैबिचुअल यूजर हैं या नहीं। ठीक है, अदालत अगले महीने की 15 तारीख तक मुलतवी की जाती है। दरमियान अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस केस से संबंधित जितने भी सबूत हैं वो अगली हियरिंग में पेश किए जाएं। अदालत पुलिस को ये भी आदेश देती है कि इन दोनों अक्यूज के खून की जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग हैबिचुअल ड्रग यूजर्स हैं या नहीं। थैंक यू। द कोर्ट इज एडजर्न टिल द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा मुत्तू, अच्छा कर रहे हो। हाँ और थोड़ा संभालो, उनको भी समझाओ बदों को। करते कर लेंगे। अरे मुत्तू साहब, हाँ कोर्ट का ऑर्डर है, इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे कमिश्नर से बात कर लेगा, तुम चिंता काहे को करता है। डेफिनेटली हाँ, चलो। उल्लू की तरह आंखें फाड़ के क्या देख रहा है बे? सोच रहे हैं, तेरा क्लाइंट को आज नंगा किया कोर्ट में, नेक्स्ट टायरिंग में तेरा चट्टी उतारेगा बारह बरी कोर्ट में। 10 जन्म लेगा ना, तब भी ये नहीं कर पाएगा। माँ कसम, अगर कोर्ट की हियरिंग नहीं चल रही होती ना, तो नंगा करके मैं तुझे सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारता। जाने दे मुत्तू, जाने दे, खिसियानी बिल्ली आई है खुजाने। काका खंबा नोचने। हाँ वही वही। ए गरीबों के जॉली एलएलबी, निकलना पतली गली से, ये तो खाएगा फटके। बेटा पड़ेगी तेरे को पक्का, लड़कियों के साथ अय्याशी यही तेरी कमजोरी है ना। ए काला कोट सुन, मेरी और एक कमजोरी है, मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश, बच के रहना तू। बेटा मैं तो बच कर रहूंगा, लेकिन तू अपने गुस्से से बच कर रहना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति ध्वंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाय प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हुआ है। समझा?
नहीं। Two days is not a less time. I'm surprised you don't remember anything at all. बोलो यार इसको, कुछ तो बताए, बिना एविडेंस के हम ये केस हार जाएंगे। Maya, he's right. We really can't do anything without evidence. And please try and remember at least something. Maybe at least where they kept you. I don't remember what happened. And they took me to cab. थैंक यू भाई, मेरे लिए लेके आया। छोटा सा काम नहीं कर सकता मेरा छोटू? हाँ भाई, क्या कर रहा है? क्या मेरे लिए लाया ना? तो मैं जाऊंगा पहले। चुप चुप, बड़ा मैं हूं, मैं जाऊंगा पहले। ठीक नहीं कर रहा भाई। अरे चार, कोई भाई भाई नहीं। चुप चुप, चल फूटे दे से। Don't know what was going on. They raised me by hair and they took off my dress. We now know it's a farmhouse. लेकिन कौन सा farmhouse? जाल तो बिछाया है। देखो, मछली कब पकड़ में आती है। कुत्रिया, मेरा बात कान खोल के सुन, जो बोला है वो करने का। अरे वहाँ देख, वहाँ ससुर का नाटी। तो रखता है, चल। प्रणाम भैया जी। हाँ पांडे बोलो। ससुरा मकरंद है ना, मक्या? वो अभी अभी यहाँ आया है। आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द फौरन यहाँ आ जाइए। यहाँ मतलब? अरे यहाँ मतलब यहाँ, अरे यहाँ, हाँ वो बालकनी के सामने चाय की दुकान पर। मैं और तम्बी आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारे है। बाइक है ना तुम लोगों के पास? जी भैया जी, बाइक है ना। हाँ जी, पेट्रोल भी भरवा दिए, फुल टैंक। चिंता करने की कोनो टेंशन नहीं। पाव भाजी की दुकान तुम लोगों से संभलती नहीं है, ये जासूसी के काम में बड़ी फुर्ती दिखा रहा हूँ। का है ना भैया जी, सब आप ही का आशीर्वाद है। हम आके देते हैं स्पेशल आशीर्वाद। है? अभी फोन रखो। जी भैया जी। ए लाओ रे इधर, कितना बुगिगड़े। अरे तो का करे साला, सुबह से यहाँ कूला टिकाए बैठे हैं। पता है किसका पीछा कर रहे हैं? अगर पता चल जाए ना तो बाय गॉड की कसम, कूले पेटे लाटे पड़ेगी, कभी कूला टिका के बैठ नहीं पाएंगे। बता रहे पाठ करता है। सरजी आ गई, सरजी आ गई। अच्छा हुआ सरजी आप जल्दी आ गई, वो आरामी मक्के अभी जाने वाली। लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट कर दो। सॉरी सरजी, अगली बार से ऐसे नहीं होगी, अम्मा कसम।
अगर अगली बार हुआ ना तो जिंदा नहीं बचेगा तू। हाँ भाई पंडित जी। जी क्या चल रहा था? यहाँ बैठ के हम टाट रहे थे, लगता है अबू जाने वाला है। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? किसी को बिल्कुल शक नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ बैठ के चाय और सिगरेट पी रहे थे तब से। कब से? तब से, तब से आपने बोला है? मतलब पिछले 3 घंटे से। ताकि किसी को शक ना हो। कहा भाई कितना हिसाब हुआ इनका? 2 पैकेट सिगरेट और 30 ठो चाय, 250 रुपए का सिगरेट बा और 150 रुपए का चाय, टोटल 400 रुपया। साले तुम 250 रुपए की सिगरेट पी गए और 150 रुपए की चाय पी गए? तुमको यहाँ पर निगरानी करने भेजा जाता है चलने के लिए? भाग के जाओगे कहाँ? लौट के तो यहीं आएंगे मेरे पास। चाय पिलाओ भाई। रहने दे, हर कभी उतार। अरे मूड हो गया मेरा। बाबूजी आप जो कर रहे हैं वो घोर पाप है और हम किसी की बीबी हैं। ये थप्पड़ लगाऊंगा। इस हरामखोर को भी मारा तो किस बिगड़ जाएगा? तेरा पति मेरा गुलाम है और गुलाम की हर चीज मालिक की होती है। बाबूजी छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द नहीं, देखना चाहती है दर्द क्या है? अरे मेरा दिनू, इधर बैठा है तू, रो रहा है तू? अरे तेरी बीवी क्या मस्त, मैं मालूम है हा? मजा दे दिया उसने, दिल खुश कर दिया मेरा। फिर आऊंगा मैं, ठीक है? ख्याल रखना उसका। हमको तो मर जाना चाहिए। ओ साहब कहाँ चले आ रहे हैं आप? और आप कौन हैं? और किससे मिलना है? और आपको अंदर आने किसने दिया? अरे ज़्यादा फनफनाओ मत यार, शांति रखो, पता चल जाएगा। तुमको इस जन्म से मुक्ति चाहिए ना? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और साहब मेरे साहब लोगों को पता चल गया ना तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, आप कृपा करके बाहर जाइए। तो क्या फर्क पड़ेगा बे, तेरी चमड़ी तो बेशरम है, उसके अंदर बहने वाला खून भी बेशरम है। स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर, तो नीच एकदम घृणित किस्म का डीट आदमी। साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप, चलो घर से बाहर निकलो वरना धक्के मार के। साले मर्द बनता है भी। जब मखिया तेरी बीवी के साथ सो रहा था, बलात्कार कर रहा था, तब औरत के जैसे दहलीज पे बैठ के रो रहा। साहब 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 मेरे पति को क्यों मार रहे हो? देख इसको कहते हैं औरत का प्यार, ऐसे नीच आदमी को पिटता देख बचाने चली आई तेरे को। सही कहा साहब आपने, हम साले आए हिंजड़े, हमको अपनी जान की फिक्र नहीं है साहब, पर वो साले हमारी लच्छू को जान से मारने की धमकी देते हैं साहब। अब नहीं सहेंगे साहब। साहब
हमें हमरे इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन डरते हैं। डरते हैं तो कोई इस बात से कि वो लोग हमरे मर्द को मार न डाले। सब आप कौन है और ये सब कैसे जानते हैं? क्या पुलिस है साहब? वकील है। वो हरामी मखिया और उसके भाई नाना के खिलाफ एक विदेशी लड़की के साथ बलात्कार करने का केस चल रहा है अदालत में। क्या तुम बता सकते हो कि मखिया किसी विदेशी लड़की को लेकर यहाँ आया था? हाँ साहब, दो दिन तक वो गोरी मैम यहीं थी साहब। आधे वक्त तो रोती रहती थी और आधे वक्त सोती रहती थी। कोनो कोनो इंजेक्शन देते थे साहब उसको, और दो दिन तक बारी बारी से उसकी इज्जत लूटते रहे साहब। पर साहब हम क्या कर सकते थे? हम छोटे इंसान हैं साहब, कमजोर हैं साहब। हम अपनी अपनी लच्छों की इज्जत नहीं बचा पाए साहब उन भेड़ियों से, तो उसकी क्या बचाते साहब? चाहो तो अपने स्वाभिमान की भी रक्षा कर सकते हो और उस मखिया से बदला भी ले सकते हो। कैसे साहब? ये बात जो तुमने अभी मुझसे कही यहाँ पे, इसी बात को अदालत में जज साहब के सामने कह देना। ये मेरा वादा है कि मखिया और नाना जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ेंगे। जरूर साहब, उन हरामजादों के खिलाफ हम कोर्ट में गवाही देंगे साहब। हम भी चाहते हैं वो कुत्ते की तरह जेल में सड़े साले। साहब आप बताओ कब देनी है गवाही? पक्का? पक्का साहब। पलटोगे तो नहीं? नहीं साहब, अब तो जान भी चली जाए ना तो भी नहीं पलटेंगे साहब। ठीक है, दो दिन बाद अदालत में पेशी है, ठीक 11 बजे पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा। अरे अरे भैया, अंदर से कहां से आ रहे हो? सूसू करने गया था, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अंदर कैसे घुसे? अरे तेरे सामने तो गया था, अंधा है क्या? उड़ के थोड़ी गया मैं। अरे सत्या, एक कमाल का सुराग मिला है। अरे बताता हूं ना यार, मिलके बताता हूं। तुम देसी अड्डा पहुंचो तुरंत। कैसा है घनश्याम? ठीक हूं सर। पहचानो? नहीं। अरे कोर्ट में मिले तेरे अभी? हाँ पहचाना। कितने पैसे लिए तूने झूठी गवाही देने के लिए? क्या बोल रहे साहब, वो अपन ने जो देखा वही बोला, झूठ थोड़ी ना बोला। पता किया मैंने तेरे बारे में, तेरी एक बहन है ना? है। कल को ये हरामी तेरी बहन के बारे में ऐसा बोले, उसके साथ ऐसा करें तो पैसे लेके बदल जाएगा तेरी। साले घटिया आदमी, अपनी बहन की इज्जत इज्जत, दूसरे की लड़की को कोई इज्जत नहीं। अरे अरे क्या हो रहा है भाई, क्यों मार रहे हैं इससे? क्यों मारे मतलब पूछिए इससे। चंद पैसे की खातिर साले ने झूठी गवाही दी, एक अच्छी भली लड़की को। अरे 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या बोल रहा है घनश्याम? उन हरामियों ने धमकी दी थी मुझे और मेरी बहन मेरी जान है सर। मैंने देखा था सर, वो मगिया साहब ने गोरी मैम के ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसको बेहोशी की हालत में लेके गए थे, बस इतना ही जानते सर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। जो तू इधर बोल रहा है कोर्ट में बोलेगा अगली तारीख पे? बोलूंगा सर। इधर देख। बोलूंगा सर। बदलेगा तो नहीं? नहीं बदलूंगा सर। पक्का? पक्का सर। सॉरी इसको। साला कुत्रिया। देख रहे नान्या जी, वो दो टके का वेटर घनश्याम हमारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया है। उठा लेते हैं साले को, टेंशन नहीं लेने का। तू भी अपने बाप की तरह रागला अपने लगा टेंशन नहीं लेने का। उसे तो उठा लेंगे लेकिन उसका क्या, जो असली फसाद की जड़ है? क्या क्या नाम है उसका? सीतापति। सीतापति बिल्ला। जी बाबू साहेब। तू जा और उठा ले उस दो टके के नाली के कीड़े घनश्याम को। और नान्या तू अपने लौंडे लेकर जा और उड़ा दे उस सड़क छाप वकील को। जी। और वो साला सुवर कौन से गटर में पड़ा है? अरे खोल, अरे खोल ना, अरे खोल, अरे जल्दी खोल, अरे खोल, अरे खोल ना, खोल, चल खोल। बोल। काका वो अब फोन नहीं उठा रहा है। अब जाओ यहाँ से।
अबे रुक, गवाही देगा, गवाही देगा तू, गवाही देगा। आज का दिन अच्छा रहा, तुम्हें क्या लगता है? क्या हो गया? एक मिनट यार, क्या हो गया? मैं देखता हूँ ना, ये सर क्या है? क्या 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 कटारा है? आप तो बेचारी को त्याग दो। अरे तो गाड़ी खराब नहीं होती क्या यार? इस कटारा को कितना इस्तेमाल करोगे आप? तो निकाल दो। अरे यार फालतू की बात मत करो, अभी स्टार्ट करो। यही है लगता है आज सूरज गलत दिशा से निकला। पाटिल, सीतापति साहब आए हमें मिलने हमारे पुलिस स्टेशन में। वाह, अरे बोल दिया होता, जीप भिजवा देते। मैं अटखेलियों के मूड में नहीं हूँ भागले साहब। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको पता है कि सत्या देशमुख के मर्डर में किसका हाथ है। पर आप कुछ करेंगे नहीं, आप सरकारी नौकरी बजाने से ज्यादा उस मंत्री की नौकरी बजाते हैं। देखो सीतापति, सोच समझ के बात करना। तुम मेरे पुलिस स्टेशन में आके मुझ पे ही तोहमत लगा रहे हो, और रही सत्या देशमुख की बात, तो वो खसकेली है ही, हर किसी के साथ उसका पंगा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि शरद जोशी का कोई हाथ नहीं है सत्या देशमुख के मर्डर में? अरे मंत्री जी, मामूली सोशल वर्कर को क्यों मरवाएंगे? सही है, मामूली थी, अगर कोई खास बड़ी होती तो मार डालते। सीतापति, सोच के बात करने का, काही बोलते है। देखो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाएगा। अब मुझे एक्सक्यूज देंगे आप? अरे अरे हंस तो है, क्या हुआ? मैंने क्या जोक सुनाया? जोक ही तो है। मतलब ये कब तक तुम एक्सक्यूज लेते देते रहोगे यार? कभी तो ये चापलूसी की पीपरी बजाना बंद करो। पुलिस की वर्दी में तुम इंस्पेक्टर कम और मंत्री के बंगले के बाहर खड़े हुए गोरखा ज्यादा नजर आते हो। ए वकील, ज्यादा बात मत कर, अपने औकात में रह, नहीं तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करने के जुर्म में अंदर डाल दूंगा और धो दूंगा। अच्छा है, तू असॉल्ट करने के जुर्म में मुझे अंदर डालेगा और धोएगा? धो डालूंगा। वर्दी बचेगी तब ना? है? मतलब टेबल के नीचे देख। क्या है एनवेलप? क्या है इसमें? पैसे? क्या है यार वागले साहब, आप रिश्वत ले रहे हो? रिश्वत? वो भी मुझसे, वो भी 1000 रुपए। ए फंसा मत मुझे। सिर्फ 1000 रुपए की औकात है आपकी? कमाल है, विजिलेंस का आदमी बाहर है, बुलाऊं उसको? ये सही नहीं कर रहा है तू, भारी पड़ेगा तुझे। बुलाऊं उसको? अच्छे खासे ईमानदार आदमी को भ्रष्ट मत करो वागले, क्योंकि ईमानदार आदमी जब भ्रष्ट होता है ना, तो नस्लें नष्ट हो जाती है। अबे छोड़ना मेरे यार। आ गई ना फ्रंट पेज पर, बन गई अखबार की हेडलाइंस। मना किया था, मत पढ़ो इस पचड़े में, मत पढ़ो, मगर नहीं, समाज सेवा का कीड़ा काट गया था। करती रहना समाज सेवा ऊपर बैठकर। सीतापति, I understand what you are going through right now. Yeah. Thanks. कल टाइम पे पहुंच जाना। साहब को बोलना चिंता ना करे, मैं कल 11 बजे कोर्ट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन, हाँ इधर जरा संभल के जाना। हाँ ठीक है।
हेलो। हाँ तम्बी, सब ठीक है? हाँ सर जी, लल्ला इरकी अब मतलब ठीक है। तीनों को जाके याद दिलाना कि कोर्ट आना है उसको कल 11 बजे। हाँ सर जी, अब भी जाके बोल के आए कि कल 11 बजे पहुँच जाने की। साहब, वॉचमैन का फोन आया था, दीनदयाल गवाही देने जा रहा है। बुरी खबरी लेके आया कर हमेशा। देख रे छगनिया, देख ये साले हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता हमारे ऊपर ही भूकेगा। ए भाऊ, कहे चले, आखिर बात क्या? वो साला हरामखोर दीनदयाल हमारे खिलाफ गवाही देने जा रहा है। एक काम कर, लच्छी, कुछ तो गड़बड़ है। शायद इन लोगों को हमारी कोर्ट में गवाही देने की बात पता चल गई है। अब हम दोनों की खैर नहीं है लच्छी। अब कुछ भी हो, तू रसोई से बाहर नहीं निकलना। दरवाजा खोल, इनो दरवाजा खोल। इतने सारे लोग और तुम अकेले? ए कुत्ता खोल। एक काम करते हैं, क्यों ना उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेते हैं। अरे पगली, ये इंसान लोग नहीं है रे, ये राक्षस लोग है। राक्षस लोग, इनके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी हम लोग मरेंगे तो क्यों ना सालों को मार कर मरें। क्या कर रहे हो? मौत का इंतजाम हमारी उन कुत्तों की। मामा मैं इधर देखता हूँ। लच्छी, हमको माफ कर देना, हम तो को बचा नहीं पाए। पर वादा करते हैं कि अगले जन्म में आदर्श पति साबित होंगे तुम्हारे लिए, पर इस जन्म के लिए हमको माफ कर देना। क्या कर रहे हो तुम? हमेशा से मेरे लिए आदर्श पति थे और हम यही चाहते हैं कि अगले जन्म में तुम ही हमको मिलो। ए दिनू, दरवाजा खोल, मैं तो चीर डालूंगा तेरे को। ए थाम ना। ए दिनू, देख भाऊ से कहकर मैं तुझे माफी दिला दूंगा। चुपचाप दरवाजा खोल। अरे मामा, ऐसा ऐकनार नया साला, इसके आंखों के सामने इसका बीवी का गेम बचाता हूँ देखना। सुअर की औलाद। अगर हमारी लच्छी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तेरी। ए चुप, कह रहे भांग पी रखी है तूने? आज तू गया तीनू। ए दरवाजा तोड़। देखो दरवाजा तोड़ के मेरे को बोलता है तुम तीनू? ना मर दे, ना मर साले। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, तोड़। एक परसेंट बर्न है। पर वहां मेरा बेटा 30% बर्न है। दर्द महसूस हो रहा है? हो रहा है सर। और तू कहता है सिर्फ 30%? हाँ, उसका दर्द महसूस कर। हो रहा है सर। जो करना है जल्दी कर, नहीं तो तुझे और तेरे इस अस्पताल को जला दूंगा 100%। जा सर, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ, आप आराम से बैठिए। काका, क्या हुआ बाबा को? बेटा, नहीं रहा तेरा बाबा, फिक्र मत कर, मैं जिंदा हूं अभी। नहीं। बाबा, Oh
दीनदयाल का पता नहीं है अभी तक। इसको ऊपर रखना और इस तंबी का भी कोई ठिकाना नहीं है, साला अभी तक नहीं पहुंचा। दीनदयाल कहाँ है? सर जी, मैंने तो दीनदयाल भाई को बोल के आई थी और उसके बाद ही तो मैंने आपको कॉल की थी ना। मैं तेरे को बोला था ना कि उसको साथ में लेकर आना। मैं दीनदयाल भाई को बोल के आई थी। हाँ शेट्टी साहब, सीतापति शुक्ला बोल रहा हूँ। अरे वो आपका वेटर अभी तक नहीं पहुंचा घनश्याम, लापता है। हेलो हेलो, लग गई आज। सॉरी फॉर बीइंग लेट योर ऑनर। अदालत में देरी से पहुंचना भी अदालत की तौहीन मानी जाती है। अगली बार ख्याल रखिएगा। प्रोसीड प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस की पिछली हियरिंग पे मैंने आपसे मोहलत मांगी थी कि मैं इस केस से संबंधित कुछ और गवाह और सबूत पेश करना चाहता हूँ। आपने मुझे मोहलत दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सबूत और गवाह मिल गए थे। आज मैं कुछ गवाहों को पेश करना चाहता था, जिनमें से इस केस का सबसे अहम गवाह घनश्याम, जो देसी अड्डा बार में वेटर का काम करता है, उसका कहीं कोई पता नहीं है, जबकि कल शाम तक वो बिल्कुल सही सलामत था। और यही हाल मेरे दूसरे गवाह के साथ हुआ, दीनदयाल, जो जोशी जी के फार्म हाउस में केयरटेकर का काम करता है, वो भी गायब है। मुझे इस बात का पक्का यकीन है योर ऑनर कि इन दोनों गवाहों को अदालत में आने से रोका गया है। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्त केस को भटकाने का कोशिश कर रहा है। ठोस सबूत नहीं है तो उठपटांग बातों को जोड़ने का कोशिश कर रहा है। जिस दिन दयाल का बात ये कर रहा है, कल रात को साइलेंडर ब्लास्ट में उसका मौत हो गया, वहां का पुलिस उसका इंक्वायरी कर रहा है, ये उसका FIR है। और घनश्याम वाइटर की जो बात की, उसने फर्स्ट ईयरिंग में घनश्याम बोल चुका है कि ये वाइदेसी लड़की मेरा क्लाइंट के साथ अपना मर्जी से गए। सर रिपोर्ट है, जस्ट गिव सर। योर ऑनर, घनश्याम की पिछली गवाही और इस गवाही में सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि आज वो सच बोलने वाला था बिना किसी डर के, लेकिन कुछ लोगों को ये नामंजूर है, इसलिए उसको गायब कर दिया। यही हाल दीनदयाल और सत्या का हुआ, इन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैसा न्याय है ये? बड़े लोग सिर्फ ऐसे सच को पसंद करते हैं जो इनके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन अगर कोई सच इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसे निस्नाबूद कर देते हैं। हमारी जिंदगी अखबार के जैसी है, जैसे आज का अखबार कल रद्दी हो जाता है ना। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्त फिलोसफी की बात कर रहा है। कोर्ट को फिलोसफी नहीं, ठोस सबूत चाहिए, और ठोस सबूत नहीं है तो हमारा वक्त जाया ना करें। ही इज राइट मिस्टर शुक्ला, जिन दो केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं उनका इस केस के साथ प्राइमा फेसी कोई लेना देना नहीं है, और अगर हो भी तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश कीजिए। एक मिनट योर ऑनर, इसमें एक वीडियो है, इसे मैंने खुद शूट किया है। इसमें मकरन जोशी दीनदयाल की पत्नी लच्छी का बलात्कार कर रहा है। अंधेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में होने वाली बात आप साफ सुन पाएंगे। ये वीडियो मैं अदालत में पेश करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मकरन जोशी को विटनेस बॉक्स में हाजिर किया जाए। योर ऑनर, मकरन जोशी हॉस्पिटल में है, उनके कार का एक्सीडेंट हुआ, 50% वो जल गया, मेडिकल रिपोर्ट है, और छगन पाटिल का देहांत हुआ। हैरत की बात है योर ऑनर, इस केस से जुड़े हुए तीन अहम गवाह या तो गायब हो गए, या जल गए, या मर गए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक षड्यंत्र है। आई ऑब्जेक्ट। वारदात हो रहा है उसका इस केस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये केस को भटका रहा है। मकरंद जोशी का इस केस से सीधा संबंध है योर ऑनर, मैं भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे सारे गवाह एक बार फिर अदालत में पेश किए जाएं। मिस्टर सीतापति, कोर्ट ने आपको पहले भी ताकीद की है कि जो ठोस सबूत है उसी को पेश किया जाए, और इधर उधर की दलील करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश ना की जाए।
यह मकरंद जोशी का वीडियो अदालत में फौरन पेश किया जाए। बाबूजी आप जो कर रहे हैं वो घोर पाप है और हम किसी की बीवी हैं। ये चुप मत रहो। मेरा पति मेरा गुलाम है और गुलाम की हर चीज मालिक की। बाबू छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। बात एकदम साफ है योरन, इसमें जो बेबस असहाय औरत है वो लच्छी है और इसके साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं मकरंद जोशी है। वाह वाह, योर ऑनर, आई वुड लाइक टू प्राइज माय डियर लायर फ्रेंड सर। इज इट सम पीस ऑफ सिनेमा? बट प्रूव क्या करना चाहते हैं आखिर में? प्रूव मतलब अलग अलग किस्सों को एक बना के, जहाँ तक कि वीडियो है, बदस वीडियो है, यू कैनॉट सी एनीथिंग। यस, द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट is the voice is matching my client voice, but sir, voice can be achieved with a cheap mimicry artist, sir. Can I request my assistant Anand to come in witness box? Objection, your honor. Anand ka is case se koi taluk nahi hai. Main manta hu ki Anand ka koi taluk nahi hai, lekin in the interest of arriving at the truth, at least let's give him a chance. Patience is the virtue, my friend. Please sir, proceed. Yes, sir. यह अंधी जनता, बहरी जनता, गूंगी जनता, ये जनता को कुछ नहीं दिखता। इन पर खाती है, चरती है, सरकार चुनती है, बाद में सरकार इनको खाती है, ये सरकार को खाते हैं, दोनों एक दूसरे को खाते हैं। ना ना, ठीक है। Objection, Your Honor. ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। Mr. Muthu, what are you trying to prove? Please come to the point. I'm coming to the point, sir. सीतापति सर की आवाज निकाल सकता है? यस। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये जो लड़की है पागल है, ये अपना रूप सुंदर दिखाकर मुझे बहका रही है। मुझसे कहती है कि मेरा केस ले लो। जैसा मैं तो परेशान हो गया हूँ इसका केस लेकर। मुझे केस नहीं लड़ना माय लॉर्ड, मुझे नहीं लड़ना। हो गया, थैंक यू माय लॉर्ड। ये मोहल्ले का चीप मिमिक्री शो नहीं है, अदालत है और एक बहुत गंभीर मामले के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये बात मेरे काबिल दोस्त को समझनी चाहिए। I am really sorry for hurting him. My assistant had real more enthusiasm. I am really sorry about it. पर पॉइंट इतना ही है सर, कोई भी किसी की भी आवाज निकाल सकता है, तो वो वीडियो में भी सर, जो आवाज है वो चीप मिमिक्री आर्टिस्ट का है। मेरा क्लाइंट मकरंद जोशी का नहीं है। दैट वीडियो इज फेक। वीडियो इज नॉट फेक। I object, my lord. Overruled, Mr. Sitapati. अदालत यह आदेश देती है कि इस वीडियो को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाए। To end this matter once and for all, इस केस की अगली सुनवाई अदालत दो दिन के बाद करेगी। The court is adjourned. शेट्टी से मिलने आया था ताकि घनश्याम का कुछ पता चल सके। साले हरामखोर, ताकत के सामने फट जाती है सबकी। साले पट्टू पट गई। जोशी को देख के पट गई। माइंड योर टंग, ओके? आई माइंड एवरीथिंग। अरे उस दिन तो तुम बड़े शेर बन रहे थे, घनश्याम के पीछे पड़े थे कि बोलो 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 बोलो, पर अभी अभी पीछे से पीटर, किरण, इसको बाहर कर दो। फट गई। ये ले, ये टिप रख ले। नहीं जाता क्या? क्या ले? मेरी सर जी को हाथ लगाती। सर जी क्या हुई? ए, क्या ले? मेरी सरजी को हाथ लगाती? अरे तुम्हारे नारे पानी के जैसे मुंडी काट डाली की मालूम है क्या? मई बर्तन गजी तुम लोग को ऐसा धोई की नहीं कि साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अम्मा क्या है? मजाक कर रही थी। मैं लेके जा रही है सरजी। सरजी चलो सरजी। अरे छोड़ना वे, दारू के अड्डे में बेकायदा रहना चाहिए। दारू में कायदा थोड़ी होता है कोई। हेलो मैडम, माया मैं तंबी बोल रही है। तंबी?
How are you? My fine, thank you, mention not. Madam, वो मेरी सीतापति है ना? मतलब सर जी. वो इधर he's doing Radha here. Radha, what is Radha? Sorry, क्या बोलती है? Fighting with bad people. Fighting? Where? देशी अड्डा पर. Hurry. Bye. Waiting. देखो मैडम जी. What happened? Come. We go, come. Is it there? Tod de dambe. Chalo. इतनी रात के ठंड में बाहर का बैठे हो, सोएंगे नहीं का? नींद कैसे आएगी पांडे? कल कोर्ट का फैसला है और मैं जानता हूं कि फैसला क्या होगा। ये स्वाभिमान की लड़ाई है पांडे, कुछ भी हो जाए ये हराम के पिल्ले जेल जरूर जाएंगे। वो कैसे भैया जी? पता नहीं कैसे, मगर जेल जरूर जाएंगे, जेल जरूर जाएंगे। आज माया जॉनसन केस की आखिरी सुनवाई है और इस केस को लेकर आज आम पब्लिक में एक जिज्ञासा बनी है। लोग इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फैसला हमारे भारत की न्यायपालिका की दृष्टि से भी अहम है। आज केस की आखिरी सुनवाई है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सर सर प्लीज, हमें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहेंगे। सर प्लीज 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 उसको बोलिए। यू वेंट आउट विलिंगली विद देम? नो, आई एम नॉट सम होर। मैम प्लीज, जैसा कि आपने अभी अभी देखा, मिस माया ने कहा कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू माया। I promise you that those rapists will go to jail for sure. Come. Please be seated. Proceed, please. Your Honor. मैं ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है उस वीडियो का है जो मेरे काबिल दोस्त ने कोर्ट के सामने पेश किया था। ये रायपुर में लच्छी का मौत हो गया है तो उसका आवाज़ का पहचान नहीं हो सका, और दूसरी आवाज़ मेरा क्लाइंट मकरन जोशी से मेल खाता है, लेकिन वीडियो का क्वालिटी इतना खराब है कि वो मकरन जोशी है ये कन्फर्म नहीं हो सका। ऑल इन ऑल ये जो वीडियो है ये पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता है इस केस में। तो मिस्टर सीतापति, बिफोर द कोर्ट प्रोनाउंसेस जजमेंट, डू यू हैव एनी सबमिशंस? यस योर ऑनर, मैं सलीम शेख को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। अदालत को अपना पूरा नाम और पेशा बताइए। मेरा नाम सलीम शेख है और मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, बोले तो फिल्म इंडस्ट्री और एड एजेंसी के लिए नई नई लड़कियाँ सप्लाई करता हूँ।
अरे भाई गलत मत समझो, फिल्म के शूटिंग के काम के लिए। ठीक है समझ गए। क्या आप सामने बैठी उस लड़की को जानते हैं? हाँ माया, इसका पहला असाइनमेंट अपुन ने दिलवाया था, कोई टेलीविजन शो के लिए था। हाय माया। ऑर्डर प्लीज। सॉरी जज साहब, कोर्ट में पहली बार आया इसीलिए माफी चाहता हूँ। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि माया कैसी लड़की है? अभी अपन क्या बोलेगा साहब, आप ही देख लो ना, भला की खूबसूरत है, ऐसा हुसन देख के तो अच्छे अच्छे इंसान का ईमान भी डगमगा जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है। आपको क्या लगता है, माया रुपयों के बदले अपना जिस्म बेच सकती है? नहीं नहीं, तोबा तोबा, वकील साहब क्या बोल दिया आपने। एक दिन मैं एक अमीर आदमी के शादी में लेके गया था एक डांस ग्रुप के साथ में, वहाँ एक अमीर ठरकी मिल गया था। हाँ। उसने इसको देख के एक रात का 2 लाख का ऑफर दे दिया, 3 लाख तक बात पहुंची। लेकिन मालूम है इसने क्या करके बोली, आई एम पुअर बट आई एम नॉट होर। मतलब बोले तो अपन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वकील साहब एक दिन का वाक्य बताता हूँ आपको मैं। जुम्मा का दिन था, शाम को इसने मेरे को फोन किया, सलीम खाना खिलाएगा क्या? 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। अगर ये चाहती ना उस वक्त किसी के साथ भी चली जाती और साल भर का काम कमा लेती। अब सोचो साहब, भूखा रहना पसंद किया इसने लेकिन गलत नहीं किया। और मैं जहां तक बोल सकता हूं कि माया जिसम फिरोसी जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती। योर विटनेस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, दाद देनी पड़ेगी मेरे काबिल दोस्त की वकालत की। ऐसा गवाह उन्होंने पेश किया, मेरे आंख में एकदम आंसू आ गए। लेकिन अभी भी सवाल वही रहता है कि माया जी जिस सोसाइटी में रहती वो लोग कंप्लेन किया है उसके घर में देर देर रात तक पार्टियां चलती रहती है, फायरिंग लोग पड़े रहते हैं, तो उसका जवाब क्या मेरा दे सकता है काबिले दोस्त? योर ऑनर, मैं भी अपने काबिल दोस्त मुथुस्वामी की सोच की दाद देता हूँ। इन्होंने तो प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा ही बदल दी। इनके हिसाब से हर वो लड़की जो फैंसी लॉन्ड्री पहनती है प्रोस्टिट्यूट है, हर वो लड़की जो लेट नाइट पार्टियों में जाती है बचलन है, या किसी लड़की को कोई लड़का उसके घर तक छोड़ने आ जाता है इसका मतलब है वो वेश्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योर ऑनर कि हमारे देश में आने वाली हर विदेशी लड़की क्या प्रोस्टिट्यूट है? और विदेशी क्यों? हर वो लड़की जो इज्जत की 2 रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखती है वो वेश्या है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मेरे मुद्दे को बिल्कुल साफ कर देगी। और ये मुथु स्वामी जैसे लोगों की पिछड़ी सोच का ही नतीजा है जो आज दुनिया भर में लड़कियों को अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए ये तरीका अख्तियार करना पड़ रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनका इस आर्गुमेंट से ये तो साबित नहीं होता कि माया जी अच्छा चरित्र किए और मेरा क्लाइंट मकरन जोशी और नाना पाटिल ने इन पर बलात्कार किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। एनी फर्दर सबमिशंस? नो योर ऑनर। वेरी वेल, तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। योर ऑनर, आप अपना फैसला सुनाए इससे पहले मैं अदालत में कुछ कहना चाहता हूं, एक आम आदमी की हैसियत से, क्योंकि अदालत मेरे लिए मंदिर है और कानून की किताबें धर्म ग्रंथ। कहिए क्या कहना चाहते हैं? जैसा जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सिर्फ उसके जिस्म ही नहीं रौंदा जाता बल्कि उसकी आत्मा की हत्या की जाती है, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया जाता है। बलात्कार सिर्फ लड़की का नहीं होता, उसके माँ बाप पूरे परिवार का होता है। लड़की जिंदा तो रहती है पर एक लाश बनकर। योर ऑनर, हमारे कानून में क्षमता के बाद भी वो गुनहगार के दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा कर पाता? बताता हूं, परसों का अखबार है जैसा, इसमें एक आदमी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था, अदालत ने उसे सजा दी लेकिन कब? 25 साल बाद। मैं और मेरी क्लाइंट माया रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे, उसने मुझसे पूछा कि सीतापति व्हाई योर लॉ इज सो स्लीजी। मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या जवाब देता। मुझे लगा कि अदालत में आने वाला हर विक्टिम एक मुर्गी के जैसा होता है, पहले हम उस मुर्गी को साफ करते हैं, फिर प्यार से उसे हलाल करते हैं, फिर उसके पंखों को नोचा जाता है, फिर अपोजिशन अपने भद्दे भोंडे तरीकों से उसके ऊपर ताने के मसाले डालता है और फिर उसको
कानून की धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया जाता है, वो पकती रहती है, पकती रहती है। यह है अपना कानून, द चिकन करी लॉ। कानून में समस्या नहीं है योर ऑनर, समस्या हमारे सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करना बहुत आसान है, लेकिन एक बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना इम्पॉसिबल। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम कभी अपनी माँ बहन या जवान बेटी से पूछोगे कि फैंसी लॉन्ड्री पहनकर आज वो किस कस्टमर को रिझाने जा रही है? हाँ, दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, महिलाओं के प्रति आपके जो विचार हैं उसकी प्रशंसा भी करती है, लेकिन यह अदालत है और अदालत में फैसले भावनाओं के बहाव में आकर नहीं किए जाते, ठोस सबूत और गवाहों की गवाही पे होते हैं। मिस माया जॉनसन पे मिस्टर मुथु ने आरोप लगाया है कि वो एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है, लेकिन इस बात का एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आया है। इसीलिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के तहत उनके ऊपर ये चार्ज स्टैंड नहीं करता। द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट मिस माया